देखिए, बिग चेंज जो एक्सपेक्टेड नहीं था, अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं है वो हो जाए। 5 मार्क्स, कई आप में से ऐसे कैंडिडेट थे जो ये कह रहे थे कि जिन्होंने 15 15 साल, 10 10 साल काम किया है इन कॉलेजेस में, उनका हक बनता है, ठीक। लेकिन ये कोर्ट के डिसीजन से, जो कोर्ट ने इंफॉर्मेशन जहाँ जो फंडामेंटल लॉज वट एवर उन्होंने कंसिडर किया है, उसका एक रिएक्शन ये आया है, ये लेटर आपके सामने है, कि जो 5 मार्क्स हैं, जिनको 5 मार्क्स मिले थे, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑलरेडी कितने सालों से काम कर रहे थे, उनको एक्स्ट्रा वेटेज दी गई थी, वो एक्स्ट्रा वेटेज चैलेंज हुई है। तो ये लेटर है, सीधा इमरजेंसी में निकाला गया, 18/12/2021 आज को ही, ठीक। स्पेशल वन सेक्रेटरी गवर्नमेंट पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विद रेफरेंस टू हायर, ये पोस्ट का आपका नाम है। मेन ये बात है कि विदड्रॉ आफ्टर रिकंसिडरेशन हैज टू विदड्रॉ द बेनिफिट ऑफ वेटेज अप टू 5 एडिशनल मार्क्स फॉर एक्सपीरियंस, ये विदड्रॉ हो गए हैं। गिवन टू टीचर वर्किंग इन गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ पंजाब वाई विदड्रॉइंग क्लोज। चलो ये बातें नहीं है, मेन बात है, दिस डिसीजन हैज बीन टेकन इन ए व्यू ऑफ सर्टन रिट पटिशन्स, कम से कम 300 से 400 रिट पटिशन्स हुई हैं, और हर एक ने अपना हक मांगा है। अपने हक में वो जो एडिशनल हक मांग रहे थे, उनका अब नुकसान हो रहा है। देखिए, किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते ये खुशी की बात है, मेरे मुताबिक उनका हक जा रहा है। जिनको ये 5 मार्क्स से सिलेक्शन हुई थी, नेचुरली है कि वो 5 मार्क्स जिनके डाउन जाएंगे, उनके लिए ये दुख की पेनफुल ये नोटिस है। लेकिन इस सिचुएशन को फाइनल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अभी 20 तारीख का जो हियरिंग है उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। ये एक्चुअली क्या था कि जब कोर्ट कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगती थी या जवाब मांगती थी डीपीआई से, तो वो जवाब में अकॉर्डिंगली किए जा रहे हैं। तो कोर्ट ने अगर इसको वायलेशन कहा होगा, तो उसके रिस्पॉन्स में ये 5 मार्क्स विदड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक। तो इस सिचुएशन को कैसे बयान किया, ये इज वेरी 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 डिफिकल्ट, क्योंकि जब किसी को चीज मिलती नहीं है 20 साल, तो वो वेट कर लेता है। जब किसी को कोई चीज दे के उससे छीन ली जाती है, तो वो सब्र नहीं कर सकता। दिस इज वेरी पेनफुल एंड वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट दैट वेदर इट इज जस्टिस और नॉट। खुशी तो दुख की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, ये जस्टिस है या नहीं है, ये उनके साथ जिन्होंने 10 15 साल पढ़ाया है, उनके साथ ये जस्टिस नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि कोर्ट से आप हक मांगे गए हो, तो कोर्ट के ये रिएक्शन में सारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ हम किसको दोष दे किसको ना दे, मैं बार बार कह रहा हूं, दोषी सिर्फ वो 20 साल की गवर्नमेंट्स हैं, जिनको हमने जो हमें 4.5 साल वेंटिलेटर पर बिठा रखते हैं, और लास्ट वाले जो 6 महीने होते हैं वो वेंटिलेटर थोड़ा सा हटाते हैं कि हमें लगता है कि हमें सांस आ रही है, तो हम फिर वैसे ही हो जाते हैं। काइंडली, अगर अपने बच्चों का, उनका फ्यूचर देखना है, पंजाब का फ्यूचर देखना है, तो गुड सिलेक्शन कीजिए सिंसियर कैंडिडेट को। तो इस सिचुएशन में हम खड़े हो गए हैं, ना हम कह सकें दुख है या सुख है, लेकिन उनके साथ अनजस्टिस जरूर है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चैलेंजिंग दिस प्रोविजन वेटेज, हेंस द एंटायर सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ द रिटन टेस्ट ओनली, ठीक। तो रिटन टेस्ट के में जो जिनके जैसे मार्क्स थे, वो नेचुरली है कि रिवीजन होगी, अब चक्कर भी लगेंगे। हाईलाइट जो दूसरा वीडियो मैंने निकाला है कि सिचुएशन और भी चेंज हुई है, उसको भी सामने रखिए, अपना फोन ऑन रखिए,
ये मत देखिए रात के 1:30 बजे हैं या दिन के 1:30 बजे हैं, आपको फोन कभी भी आ सकता है, कभी भी जाना पड़ सकता है, आप मेल है फीमेल है अब भूल जाइए, तो पता नहीं होना क्या है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कंक्लूजन कोई भी फाइनल नहीं है। हाँ ये जो गवर्नमेंट जॉब में कर रहे थे उनके लिए मैं आई एम वेरी फीलिंग पेन के उनके ये 5 मार्क्स चले गए हैं। अलर्ट रहिए, फिर भी सिचुएशन को देखते रहिए, रिएक्ट नहीं करना, रिफ्लेक्ट करना है, समझना है, जो नेगेटिविटी है उसके पार्ट नहीं बनना, ठीक है। हमें नहीं पता कौन नेगेटिव बन रहा है, कौन दुख में कोई भी नेगेटिव कदम उठा सकता है, लेकिन अल्टीमेट रिएक्शन हमें ही देखना पड़ेगा। सो दैट इज वाई किसी को बुरा नहीं कहना और बुरा सोचना नहीं है, बेशक ये आइडियल बातें हैं, लेकिन सभी इंसान है यार, सच में सभी को परिवार है, सभी की को रोटी चाहिए, सभी को रोजगार चाहिए और सभी अपने हैं। थैंक यू।